हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नजरानास रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं पनीर चिल्ली आपके लिए बनाने जा रही हूँ, शायद आपको पसंद आएगी क्योंकि हम होटल में खाते हैं। तो मैं होटल में पनीर चिल्ली हम लोगों को, हमारे परिवार वालों को बहुत पसंद आती है, लेकिन हम आज घर में ही बनाएंगे। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादातर होटल में जाना आना आजकल के माहौल में बंद ही करें और घर की ही रेसिपी बनाकर अपने फैमिली वालों को खिलाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसके मोटे पीसेस कर लिए हैं। हमें ऐसे स्क्वायर में इसके ऐसे बड़े बड़े पीस करने हैं, हमें इसके ज़्यादा छोटा नहीं रखना है क्योंकि पनीर वैसे भी सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये इसका चूरा हो जाएगा। हमें ऐसे पीस रखने हैं। ये मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और मैंने एक चम्मच काली मिर्ची का पाउडर लिया है। हम आधा अभी डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे। ये 2 चम्मच मैदा लिया है और ये मैंने बारीक कटा हुआ 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली है। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 2 से 3 इंच की मैंने बारीक काट के गाजर ली है। और ये मोटे पीसेस ऐसे हमें प्याज के करने हैं और ऐसे मोटे पीस हमें इसके अंदर का वाइट और बीज दोनों निकालने हैं। और ऐसे शिमला मिर्ची रखनी है, मैंने ये 3 हरी मिर्ची ली है क्योंकि इसमें चिली सॉस भी डलेगा। तो पहले हमें ना पनीर को मैरिनेट कर लेंगे, इसके लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्ची डालूंगी और ये मैंने अदरक लहसुन लिया है ये इसमें डाल दूंगी। और मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करूंगी। हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है, हम ये भी इसमें डाल देंगे। ये पनीर को हम थोड़ी देर के लिए हल्के हाथों से मिक्स करके, एकदम हल्के हाथों से, हमें इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि ये मैदा इसमें अच्छे से चिपक जाए। मैदे को हमने इस तरह से मैरिनेट करके रख देना है। और आप आइए इधर, अभी हम इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया है। और जो हमने ये काला मिर्च का पाउडर बचाया था और वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम नमक पहले भी डाल चुके हैं, हमें इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, 1/2 चम्मच कम चम्मच हमें इसमें डालना है। और हम इसमें 2 चम्मच तेल की ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छे से मॉइस्चराइजर हो जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने जो ऑयल डाला था इसे अच्छे से मिक्स किया। अभी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको कोटिंग के लिए थोड़ा ही पानी डालेंगे, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। हमें इस तरह का बैटर तैयार करना है। ये देखिए, इतना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं सॉस की तरफ। ऊपर हमें बोल लेना है, हमने खाली बोल दिया है। इसके अंदर हमें 2 चम्मच चिकन सॉस के भी तैयार कर लेंगे ताकि बाद में हमें ज़्यादा इधर उधर ना भरना पड़े। ये हमने 3 चम्मच चिली सॉस लिया है, रेड चिली सॉस, और ये 3 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 2 हरी मिर्च भी डाली है पत्ते, और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि हमें वो ड्राई चिली बनाना है। देखिए एक चम्मच मैंने विनेगर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आप स्वीट खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा 2 चम्मच टमाटो सॉस भी ऐड कर लेंगे। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं आप इसका अवॉइड कर सकते हैं। और आप सबको मिक्स करके हम लोग इसे रख लेंगे। तो अभी हम पनीर फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो आइए अभी हम गैस पर पहले कढ़ाई रखते हैं। हमें इसमें नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है, इसके लिए हमें इसमें नमक नहीं ऐड करना है। और पहले भी हम पनीर में नमक ऐड कर चुके हैं, इसमें हमें नमक नहीं ऐड करना है। हमने ये भी सॉस ऐड रेडी कर लिया है, बैटर भी हमारा रेडी है,
अभी पनीर का हमारा है, तो फिर आइए। ये हमने गैस की कढ़ाई रखी है, हमने तेल लिया है, हम तेल को गर्म होने देते हैं, क्योंकि तेल हमें तेल को ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि ये पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, जो जल्दी उसको जल जाएगा, जल्दी से जल जाता है, इसके लिए हमें तेल को मीडियम ही रखना है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, इतने हम अपने पनीर के टुकड़ों को, इतने बैटर जो हमने रेडी किया है उसमें डाल देंगे, और जो हमने इसमें मैदा लगाया था अब हम इसे इस बैटर में डालेंगे, तो ये मैदे को और अच्छे से चिपक जाएगा। और हम एक एक करके टुकड़ों को इसमें डालते जाएंगे। देखिए हमें इतना ही तेल रखना है, हमें ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना, ताकि हल्का सा तरफ से आ जाए, और वैसे भी करके हम कल टुकड़े को इसमें डालते हैं। इस तरह से काले टुकड़े इसमें डाल देंगे, अगर हम इसे ज़्यादा लंबे समय तक हमें इसे फ्रिज पर रखना है, तो इसके लिए हमें इसे डबल फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसके अंदर मौसम अगर अच्छा रहता है। हम इसको डबल फ्राई करेंगे, सिर्फ हम इसको जो इसका जो इसके ऊपर हमने बैटर लगाया है ना, सिर्फ वो तलने के लिए, कि वो अच्छे से बैठ जाए इसके अंदर, तो फिर हम इसको तेल में रखेंगे और फटाफट इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ये छुट नहीं रहा है, इसके ऊपर अच्छे से चिपक गए, तो हम इसको निकाल लेंगे। हमें इसे डबल फ्राई करना है, इसके लिए हमें इसे ब्राउन होने तक नहीं रखना है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अभी देखिए हमने ये ब्राउन होने तक नहीं फ्राई किया है, क्योंकि हमें इसे डबल फ्राई करना है, और ये देखिए बचे हुए पनीर भी हमने इसमें डाल दिया है, तो हम इसको भी हल्का फ्राई करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, तो आपकी बातों का जरूर जवाब देंगे। फ्रेंड्स हमें ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लीज़ आपका एक लाइक, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को दिल से देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए। ये देखिए ऐसे टुकड़े इसके करने हैं, इसका ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, इसका ये कलर रखना है। ऐसे टुकड़े रखने हैं, और अभी हमारा तेल हाई फ्लेम किया है हमने, अब इसका तेल अच्छा गर्म हो जाने पर हम इसको थोड़े थोड़े करके टुकड़े फ्राई कर लेंगे। तेल को एकदम गर्म कर लेना है, उसको दोबारा से फ्राई कर लेना हल्का ब्राउन होने तक। फिर इसका कलर तेज गैस पर रखकर हल्का हल्का फ्राई करके हमें फटाफट निकालना है, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमें ये फ्राई कर लेना है, याद रखना है कि हमें इसे कढ़ाई में छोड़कर हटना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये फ्लेम भी तेज है, हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको फ्राई कर लेना है, ये डबल फ्राई की वजह से ये बहुत काफ़ी टाइम तक, मतलब आधे पौने घंटे तक ये क्रिस्पी रहेगा। हमें इसे डबल फ्राई कर लेना है, डबल फ्राई करने से काफ़ी समय तक क्रिस्पी रहेगा। ये देखिए इसके टुकड़े, ये देखिए आपको आवाज़ भी आई होगी, ये देखिए एकदम ऐसा क्रिस्पी बनेगा। ऐसे ही हमें ये सारा पनीर फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने ये सब फ्राई कर लिया है पनीर, और हम इसी कढ़ाई के अंदर ये सब चीज़ें डाल के ये पनीर चिल्ली रेडी करेंगे। तो हमें ये तेल कम कर लेना है,
हमें इसका फ्लेम तेज कर लेना है, हाई फ्लेम। अगर आपके बच्चों को या फैमिली को रेड कलर पसंद है, रेड कलर की पनीर चिल्ली, तो आप उसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 चम्मच रेड कलर लिया है, जिससे मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, अब ये तेल हमारा तेज हो चुका है। चाइनीज चीज़ों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जो हमें लाल करना पड़ता है। फिर हमने गाजर आपको ऐड किया, हमने दो शिमला मिर्च काटी को ऐड कर दिया। हमने हाई फ्लेम पे इसको जल्दी से फ्राई कर दिया। ये जो हमने सब सॉसेज ऐड किए थे, इसके अंदर ही हम फूड कलर ऐड कर देंगे, इसी में मिक्स कर देंगे। ये जो हमने सब सॉसेज दिए थे, इसमें हमने फूड कलर ऐड किया, इसी को मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और इसमें कॉर्नफ्लोर दिए, इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना होगा। दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की वजह से वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। हमारे पनीर पूरी तरह से मिक्स होना चाहिए। और हमारा ये हो गया है सब रेडी, इसको डाल दें और इसको चलाते जाएंगे। और ये देखिए गाढ़ा होने लगा है धीरे धीरे। और इसके लिए हमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, और हमें चलाते रहना। और ये देखिए हमारा धीरे धीरे, हमें फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही इसे पनीर चिल्ली डालना है। इसे रेडी हो गया है, एक बार फिर बता देती हूँ। सोया सॉस में नमक रहता है, इसलिए हमें इसमें नमक नहीं डालना है। तो अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए इसका कलर देखिए, तो हमारा रेडी हो गया। हम सब गैस ऑफ कर देते हैं। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और हमें इसको अच्छे से चला लेना है और गरम गरम ही सर्व करेंगे। पूरा मिक्स हो चुका है और इसका टेस्ट वाह, क्या कलर है। ये हमारी पनीर चिल्ली रेडी है, तो आइए हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी पनीर चिल्ली की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।